हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, अगस्त मंथ के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, उन सारे करंट अफेयर को मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगस्त महीना में, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। इससे बाहर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच के अगर कोई भी क्वेश्चन बनते तो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी जेई का, एनटीपीसी का, सीएचएसएल का, एमटीएस और भी कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बना रखी है करंट अफेयर पे, तो मैं उन सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हैं करंट अफेयर के। एक वीडियो मैंने बनाया है जो जनवरी से लेकर अगस्त तक का आपको उसमें करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो टोटल जनवरी से अगस्त तक का जो मिलेगा उसको तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारे करंट अफेयर को इंक्लूड किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन को मैंने उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो उन सभी को देख लीजिए आप, कम से कम एक बार अगर वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत फायदा होगा। इसीलिए होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन वन लाइनर आपको मिलेगा, और वन लाइनर में बस आपको एक बार देखना है, एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे एग्जाम देने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिल जाएगा। ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं है, आप ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को एक बार देखे हुएगा तो। दोस्तों, एक जगह आपको इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इन क्वेश्चन को देखिए, आपसे रिक्वेस्ट यही होगा आप इन क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन को वन बाय वन। सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वाटर स्ट्रेस इंडेक्स के मुताबिक देश के कितने बड़े शहरों में से 11 शहर जल संकट की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं? तो 20 शहर में से 11 ऐसे शहर हैं जो जल संकट की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं अभी के टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर कितनी कर दिए हैं? तो वो 30 से बढ़ाकर 33 कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजना के लिए गाम्बिया को कितने लाख अमेरिकी डॉलर देने की मदद देने की घोषणा की है? तो कितनी डॉलर मदद देगी? तो ये 5 लाख डॉलर मदद देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 8 से 9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है? तो अब ये हो चुका है, तो 8 से 9 अगस्त में जो 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो मेघालय राज्य में हुआ है। 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस पे मेघालय राज्य में हुआ है। तो आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम कितने साल की सजा और जुर्माना हो सकता है? तो 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम 3 साल की जुर्माना हो सकता है। एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने स्वचालित मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली अपनाई है? तो कौन से राज्य के पुलिस ने ऐसा किया है कि स्वचालित, जो कि स्वचालित होंगी, ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होगी, तो कौन से राज्य की पुलिस ने अपनाया? तो महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसा अपनाया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। और एक मैंने वीडियो बनाई थी जो कि जनवरी से लेकर अगस्त तक के क्वेश्चन थे, उसमें 20 अगस्त तक के लगभग क्वेश्चन मिले हैं। तो उस सीरीज को भी आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी करंट अफेयर को देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं हर एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में कोई भी अभी एग्ज़ाम हो रहा है, अभी आरआरबी जेई की एग्ज़ाम हो रही है, तो इस एग्ज़ाम में भी आपको देख रहे हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों, 8 से 10 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत बस इतना करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार सभी वीडियो को देख लीजिए। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने के बाद आंसर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त तक के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश से आयात होने वाले शुद्ध पीटीए पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है वो थाईलैंड देश पर लगाया है। किसने लगाया है? तो वित्त मंत्रालय ने लगाया है दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के देश पर। तो पीटीए का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो पीटीए क्या होता है? तो प्योर टेरिपथैलिक एसिड, ये होता है पीटीए का फुल फॉर्म।
उसके बाद अगर देखूं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने महिलाओं के अगले फुटबॉल विश्व कप में टीमों की संख्या 24 से बढ़ाकर कितने करने की अनुमति दे दी है? तो वो 32 करने की अनुमति दे दी है फुटबॉल की वैश्विक संस्था ने, फीफा ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो संविधान का वह अनुच्छेद जिसे हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने हटा दिया है, तो भारत के जो राष्ट्रपति है उन्होंने हटा दिया संविधान का वह अनुच्छेद, तो अनुच्छेद का क्या नाम है, अनुच्छेद 370, 370 को हटा दिया जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मंत्रालय जिसके तहत आदर्श स्मारक योजना शुरू की गई है, तो आदर्श स्मारक योजना किस मंत्रालय के थ्रू शुरू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के थ्रू शुरू किया गया है आदर्श स्मारक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वह उत्पाद जिसे हाल ही में BIS का प्रमाण पत्र मिला है, तो BIS का जो प्रमाण पत्र कौन से उत्पाद को मिला है? तो वो पश्मीना उत्पाद को मिला है BIS का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मंत्रालय जिसने संकल्प योजना शुरू करने की घोषणा की, तो संकल्प योजना कौन से मंत्रालय ने शुरू करने की घोषणा की है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ऐसा योजना शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वह देश जिसने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से हटने की घोषणा की है, तो वह देश जिसने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस की संधि से हटने की घोषणा की है, तो अमेरिका ने ऐसा घोषणा किया है, वह अब इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस की संधि जो है उससे हट जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित ह्यूमन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत स्कैन किए जाने वाले लोगों की संख्या कितनी? संख्या 20,000 है, 20,000 लोगों की संख्या को ह्यूमन जीनोम मैपिंग के तहत स्कैन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय महिला खिलाड़ी वर्षा में खेली जा रही कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तो वर्षा में खेली जा रही कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम है विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंपनी जिसने हाल ही में जीवन अमर इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया, तो कौन सी कंपनी ने जीवन अमर इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है अभी हाल ही में? तो LIC ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। वह देश जिसे अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर या मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया है, तो कौन सा देश को? चीन देश को उन्होंने ऐसा किया है कि करेंसी मैनिपुलेटर या इसे मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित कर दिया है चीन को अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी अध्यक्षता में UGC की 542वीं बैठक का आयोजन किया गया, तो किनकी अध्यक्षता में किया गया है? एन गोपाल स्वामी की अध्यक्षता में 542वीं बैठक का आयोजन किया गया है UGC में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें हाल ही में अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो किन्हें किया गया अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स का निदेशक? तो अतीश दाभोलकर को किया गया है, अतीश दाभोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने भारतीय खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्था जिसने हाल ही में किए शोध इकोनॉमिक्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है, तो वह संस्था का क्या नाम है? तो टेरी संस्था का नाम है TERI, टेरी उसे बोल सकते हैं, तो उस संस्था का यही नाम है जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ डेजर्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट जारी की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फोर्ब्स पत्रिका की खेलों में सबसे अधिक भुगतान वाली महिलाओं की सूची में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है सबसे अधिक भुगतान वाली महिला में? तो सेरेना विलियम्स को शीर्ष स्थान मिला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सेटेलाइट द्वारा किस सुपर अर्थ की खोज की गई है, उसको क्या नाम दिया गया? तो जो सुपर अर्थ की खोज की गई उसका क्या नाम है? तो GJ-357D उसका नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किए गए वीडियो गेम का नाम क्या है? तो वीडियो गेम का क्या नाम है? तो इंडियन एयरफोर्स एकट अबव उसका नाम है, जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किए गए वीडियो गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पूर्व खिलाड़ी जिसे BCCI के एथिक्स ऑफिसर ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस भेजा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस भेजा है BCCI ने एथिक्स ऑफिसर, BCCI के एथिक्स ऑफिसर है उन्होंने, तो उनका नाम है राहुल द्रविड़ जी को ऐसा भेजा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने मध्य प्रदेश के बाद हाल ही में मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित किया था। मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित किया है मध्य प्रदेश के बाद, वो किस कौन से राज्य ने? तो राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला दिवस, तो भारत में 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार मोटर वाहनों से संबंधित दंड शुल्क में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि कितनी है? तो मोटर वाहन विधेयक के अनुसार जो दंड शुल्क में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि है वो 10% है, 10% वृद्धि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मी तथा अब इंग्लैंड में बस चुकी जिन्हें मिस इंग्लैंड 2019 के खिताब से नवाजा गया, तो मिस इंग्लैंड 2019 के खिताब से किन्हें नवाजा गया है? तो भाषा मुखर्जी जी को नवाजा गया है, जो कि भारत में इनका बर्थ प्लेस है लेकिन ये इंग्लैंड में पली बढ़ी है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाने का रकम किया गया है? तो कितना जुर्माना लग जाएगा उसके ऊपर? 50 लाख। अगर कोई भी सेलिब्रिटी है, अगर वो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाएगा केंद्र सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शहर जहां ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उस शहर का क्या नाम है? तो शिलोंग, शिलोंग शहर में किया जा रहा है ई गवर्नेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें हाल ही में भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया, तो भारत के प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको अभी हाल ही में भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के महान संगीतकार जिन्हें भारत रत्न 2019 मरणोपरांत दिया गया, तो बहुत महान संगीतकार थे, उनका नाम था भूपेन हजारिका, तो भूपेन हजारिका जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय द्वारा सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए बनाई गई एक चयन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो जितने भी सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए बनाई गई एक चयन समिति है, तो उसमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो 12 होगी। किसके द्वारा बनाया गया है? तो खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज का नाम जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे, तो उनका नाम है हासिम अमला। हासिम अमला अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का नाम जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो उस बच्ची का क्या नाम है जो 9 वर्ष के है, मणिपुर से है, उनका नाम है एलंगवाम वेलेंटिना देवी। तो एलंगवाम वेलेंटिना देवी मात्र 9 वर्ष की है और वो मणिपुर की है, और उन्हें मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बच्ची के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति 15 GB डाटा प्रतिमाह मुक्त देने की घोषणा की है, तो उस राज्य सरकार का नाम है दिल्ली राज्य सरकार। पता नहीं अब ये सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा 15 GB प्रति व्यक्ति जो है प्रति वर्ष प्रति महीना देने का घोषणा किया गया कि हर व्यक्ति को 15 GB डाटा मिलेगा। अब एक वाईफाई का भी घोषणा किया गया था, लेकिन वो वाईफाई तो हर जगह दिल्ली में हुआ नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे हो चुका है। तो अब देखते हैं राज्य सरकार ये कर पाता है कि नहीं 15 GB डाटा वाला। उसके बाद देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी, तो मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना ये शुरू करने की घोषणा कर दी है, तो कौन से राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का अगला चरण 2020 से लेकर किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा? तो किस वर्ष तक हो जाएगा? 2020 से लेकर, तो 2025 तक हो जाएगा, 2020 से लेके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें भारत में 453 भाषा अभी तक बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भारतीय खिलाड़ी जिसने किसी एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय विकेट में 20,000 रन पूरा करने वाले पहले विश्व के बल्लेबाज बन गए, तो विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक दशक में 20,000 रन से पूरा कर लिया है, तो उन खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो
के चेयरमैन के सिवान को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया था। कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है इसरो के चेयरमैन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस तरह में कई दो तीन तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ना जरूरी है, उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। उतना में आपको ये हो जाएगा कि आप जब एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा, और उस ऑप्शन से आपको ज़्यादातर परसेंट पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको सही आंसर ही लगा, अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो। अगर नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो अगर आप उसमें आंसर देते हैं तो आपको फिर वही 50-50% का हो जाएगा, गलत या सही हो जाएगा। ऐसे में आपको ज़्यादा परसेंटेज बनेगा सही होने का। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन को एक बार कम से कम पढ़ जरूर लीजिएगा। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेन बघेल, जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल हैं, स्वतंत्रता दिवस पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC का आरक्षण 14% से बढ़कर कितने परसेंट कर दिया? तो स्वतंत्रता दिवस गुजर गया तो कितने परसेंट कर दिया 14% से बढ़ाकर? तो 14% से बढ़ाकर 27% उन्होंने कर दिया है OBC का आरक्षण, OBC का अदर बैकवर्ड कास्ट का आरक्षण उन्होंने 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो भारतीय पहलवान दीपक पुनिया ने हाल ही में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जो पदक अपने नाम किया है, उस पदक का क्या नाम है? तो वो स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम कर लिया। किन्होंने किया है? तो भारतीय पहलवान है दीपक पुनिया ने। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का विकास किया? तो सबसे कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का जो विकास किया है वो कौन सी IIT है? तो IIT खड़गपुर है, IIT खड़गपुर के जो अनुसंधानकर्ता हैं उन्होंने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है हर्षद पांडुरंग ठाकुर जी को। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी वीडियो में डाला करता हूँ, चाहे वो करंट अफेयर हो या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या कोई न्यूज हो गवर्नमेंट जॉब से, तो मैं इस वीडियो पर इस चैनल पर मैं हमेशा डाला करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में कितने परसेंट बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो कितने परसेंट बढ़ोतरी कर देगा? तो 4%, 4% का बढ़ोतरी हो जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो 2019 का संस्कृत दिवस किस दिन मनाया गया है? तो संस्कृत दिवस मनाया गया 15 अगस्त को मनाया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो विश्व हाथी दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में गोगाबील किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? तो गोगाबील जो है किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? तो बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। किसे किया गया? तो गोगाबील को किया गया। ये सब चीज़ आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने क्वेश्चन इसमें लिखा है एग्जैक्ट ऐसा ही पूछे, वो क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है, लेकिन सबका मीनिंग ऐसा ही होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि डूडल फॉर गूगल 2019 प्रतियोगिता का पुरस्कार किसने जीता है? तो गूगल फॉर डूडल जो प्रतियोगिता होती है, तो 2019 का जो प्रतियोगिता हुई उसका पुरस्कार किसने जीता है? तो उसका पुरस्कार जीता है एरेंटजा पेना पोपो ने उसका पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किए जाने के साथ साथ किस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छ नगर ऐप को लॉन्च किया गया, किसके साथ लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किए जाने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किस शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत अपशिष्ट की खुले में डंपिंग और दहन है? तो अपशिष्ट को खुले में जो डंपिंग और दहन करते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रदूषण का अगर केंद्र बना हुआ है तो वो कौन सा है? तो दिल्ली में ऐसा सबसे ज़्यादा होता है, जो कि अपशिष्ट को खुले में छोड़ दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है, इससे वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वह राज्य सरकार जिसने 9 साल की लड़की एलंग वाम वेलेंटिना को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है एलंग वाम वेलेंटिना को। ये क्वेश्चन तो पहले भी मैंने करा दिया था शायद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 17 देशों में से भारत का जो स्थान है 13वां नंबर पे स्थान है, जो कि जल संकट से जूझ रहा है।
उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत और किस देश ने खेल संस्कृति तथा पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और चीन ने 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, तो खेल संस्कृति तथा पारंपरिक दवाओं से, इन तीनों चीज़ से रिलेटेड है। 4 समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं भारत और चीन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए कौन देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक बन गया है। तो स्क्रैप आयातक देश जो बन गया है दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए, वो है इंडिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, जो कि है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो चंद्रिमा शाह को बनाया गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो केंद्र सरकार ने कितने प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के बाद पीपुल्स प्लान अभियान शुरू करने की फैसला किया है। तो पीपुल्स प्लान अभियान जो शुरू किया जाएगा वो केंद्र सरकार कितने प्रमुख के द्वारा किया जाएगा, तो कितने प्रमुख मंत्रालयों के द्वारा, 16 प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ ये विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नीति आयोग ने हाल ही में किस शहर में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का 4था संस्करण लॉन्च किया है नीति आयोग ने, तो दिल्ली में। उसके बाद देखें तो केंद्र सरकार ने किस योजना के दूसरे चरण के तहत राज्यों में 5595 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो 5595 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की मंजूरी दे दी है। और केंद्र सरकार ने कौन सी योजना के दूसरे चरण के तहत, तो फेम इंडिया योजना, याद कीजिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत बड़ा पहल है इंडिया के लिए। तो फेम इंडिया योजना के तहत 5595 इलेक्ट्रिक बस जो है उसकी मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल देखने को आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीक से जोड़ने हेतु किस मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया वो मोबाइल ऐप का क्या नाम है, तो मेघदूत मोबाइल ऐप लॉन्च, मेघदूत मोबाइल ऐप है। और ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा तथा कृषि मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है, डिजिटल इंडिया के तहत किया गया है और किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए ऐसा किया गया, वो ऐप का नाम है मेघदूत मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने राज्य के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में 75% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनको 75% जॉब मिलेगा, जो कि उसी राज्य के लोग होंगे, उसको 75% समझ लिए उसका आरक्षण हो गया वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हाल ही में मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच किस नदी पर बने सरदार सरोवर बांध में पानी छोड़ने को लेकर विवाद सामने आया है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच जो है नर्मदा नदी की को पानी छोड़ने के ऊपर एक विवाद आया है। नर्मदा नदी, सिंपल याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस मंत्रालय ने किसी पुरुष के सिंगल पेरेंट होने की स्थिति में चाइल्ड केयर लीव के लिए मंजूरी दे दी है। तो रक्षा मंत्रालय ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद पर 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस नाम से पुस्तक लॉन्च की गई। तो पुस्तक जो लॉन्च की गई उस पुस्तक का क्या नाम है, जो कि एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद पर 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किए हैं। तो उनका नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बुक का नाम है, जो कि एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति 2 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में ऐसा किया है, उन्होंने लॉन्च किया है इस बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना आरंभ की है। तो मुख्यमंत्री मदद योजना आरंभ की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये क्यों किया है, तो जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्यों की किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसमें सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ये बहुत ही अच्छा कदम है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वह राज्य जिसने सरल सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो सरल सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया उस राज्य का नाम है कर्नाटक राज्य, कर्नाटक ने ऐसा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो गृह मंत्रालय ने पर्वतारोहण और ट्रेनिंग के लिए जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम में स्थित कितने पर्वत चोटियों को खोलने की घोषणा की। तो कितना पर्वत चोटी खोल देगा वो, 137 पर्वत चोटी को खोलने का घोषणा कर दिया गया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक की नई सरकार सत्ता में आई है। तो अब्दुल्ला हमदोक की नई सरकार सत्ता में आई है और कौन सा देश, तो सूडान, सूडान देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, सूडान सूडान देश के जो प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला हमदोक है और ये फिर से सत्ता में आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के
किस पूर्व जस्टिस ने हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली है? तो सुप्रीम कोर्ट के कौन सा पूर्व जस्टिस हैं? तो मदन बी लोकुर उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आतंक रोधी अभियान के तहत फाइनेंशियल एक्शन ट्रस्ट फोर्ब्स अगले महीने अक्टूबर होने वाली अपनी बैठक में किस देश को ब्लैक लिस्ट में करने जा रही है? तो आतंकरोधी अभियान जो है कौन से देश को ब्लैक लिस्ट में कर देगा? तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर देगा। और ये कब होगा? तो फाइनेंशियल एक्शन ट्रस्ट फोर्ब्स अगले महीने में, जो अक्टूबर में होगा ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में किस देश के हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो किस देश की हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो जापान देश को हरा दिया है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फोर्ब्स के अनुसार 2019 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में चौथे स्थान पर कौन है? तो चौथे स्थान पर अक्षय कुमार हैं, जो कि सबसे अधिक पैसा कमा रहे हैं, चौथे स्थान पर हैं फोर्ब्स के अनुसार, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो केंद्र सरकार हाल ही में किस राज्य में सुअर पालन विकास परियोजना की शुरुआत की है? तो सुअर विकास परियोजना की शुरुआत की है वो मेघालय राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार भल्ला जी को किया गया है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस राज्य के तिरूर पान के पत्ते, जिसको कि हम तिरूर वेटिला भी बोलते हैं, तो तिरूर वेटिला को भौगोलिक संकेतक, जिसे GI टैग बोलते हैं, तो GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है किसे? विवाद केरल राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को F-16 युद्धक विमान बेचे जाने की मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका जो विदेश मंत्रालय है अमेरिका के, वो ताइवान देश को F-16 युद्धक विमान बेचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कोलेबोरेटिव क्लीन एयर पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण घरों में ठोस ईंधन जलाना है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कि घरों में जो ठोस ईंधन जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है? तो वो भारत देश में। और ये किसके द्वारा बोला गया है? तो कोलेबोरेटिव क्लीन एयर पॉलिसी सेंटर के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में रक्षा सचिव नियुक्त किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो अजय कुमार जी को किया गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किसे हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया? तो कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया अभी राजीव गौबा जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य जिसने हाल ही में सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती के लिए अनुमति दे दी है? तो महिला ड्राइवरों की भर्ती के लिए अनुमति दे दी है तो वो केरल राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में DJ बजाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो DJ बजाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में किस संक्रामक बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है? तो विश्व में जो संक्रामक बीमारी है उसका प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, और वो कौन सा बीमारी है? तो खसरा बीमारी है। किसके द्वारा किया गया? तो WHO के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कुछ निश्चित प्रकार के विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने हेतु किस चैनल की शुरुआत की है? तो चैनल की शुरुआत की है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने की है, तो वो ग्रीन चैनल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी किसी भी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूर मिलने में लगने वाली समय को घटाकर कितने दिन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है? तो 60 दिन का प्रयास किया जा रहा है कि अब ये 60 दिन होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वय प्रणाली के लिए विशेष उद्देश्य न्यास कोष में कितने लाख डॉलर का योगदान किया? तो कितने लाख डॉलर का योगदान किया? 10 लाख डॉलर का योगदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों से घिरे भारतीय क्रिकेटर S-Srisant पर आजीवन प्रतिबंध हटाकर कितने साल कर दिया है? तो पहले आजीवन प्रतिबंध लगा था, अब उसको घटाकर 7 साल कर दिया गया है BCCI ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों के कारण, जो कि भारतीय क्रिकेटर थे S-Srisant के ऊपर जो लगा था प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है Chandrayaan-2 का जो लैंडर विक्रम किस दिन ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा? तो चंद्रयान का जो लैंडर और विक्रम जो है वो 2 सितंबर को अलग हो जाएगा ऑर्बिटर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें
दोस्तों मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 2 से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में आपको लगभग तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको लगभग इंक्लूड किए गए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी चंद्रयान 2 के बारे में है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। उससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। आने वाले एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा चंद्रयान 2 के बारे में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस वीडियो को भी देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में बढ़ रहे जल प्रदूषण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है, किसके द्वारा किया गया, अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो किस संस्था द्वारा निर्मित मोबाइल में मेटेलिक रैंप हाल ही में भारतीय सेना को सौंपा गया है। तो मोबाइल मेटेलिक रैंप जो है हाल ही में भारतीय सेना को सौंपा गया, कौन से संस्था के द्वारा, तो DRDO के द्वारा ऐसा सौंपा गया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस दिन वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोप्स मिशन ने अपने कार्यकाल का कितने साल पूरा कर लिया है। तो नासा के जो पार्कर सोलर प्रोप्स मिशन है अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में किस राज्य के राज्यसभा सदस्य चुन लिया गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री जी को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य चुन गया है, वो राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में यहाँ पर भूमिगत बंकर म्यूजियम उद्घाटन किया। तो कौन से जगह पर भूमिगत बंकर म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, वो भी किनके द्वारा किया गया था, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, और कहाँ पे किया गया, तो मुंबई में किया गया। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो भारत के जो पहले केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान जो है वो गुजरात राज्य में किया जाएगा, उसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर का कारोबार करने वाले स्वीडन की प्रमुख कंपनी आइकिया ने हाल ही में भारत में किस स्थान पर ऑनलाइन स्टोर खोला है। तो भारत में मुंबई में ऑनलाइन स्टोर खोला गया है, जो कि फर्नीचर कारोबार की बहुत अच्छी कंपनी है, वो स्वीडन की कंपनी है और उस कंपनी का नाम है आइकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सेना निवृत्ति आयु अब कितनी होगी। तो उसकी जो सेना निवृत्ति आयु अब होगी वो 60 वर्ष होगी, गृह मंत्रालय के द्वारा ऐसा कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद प्रदान किया गया। तो ऑर्डर ऑफ जायद जो प्रदान किया गया वो कौन से देश का पुरस्कार है, तो संयुक्त अरब अमीरात का पुरस्कार है। क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात में जो भारत को एक पुरस्कार मिला है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, उस पुरस्कार का क्या नाम है, तो पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ जायद नाम है। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है एग्जाम में, आप क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजनेता जिसकी SPG सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा कर दी। तो एक राजनेता है जो कि SPG सुरक्षा पहले दी जाती थी, अब उनको SPG सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा कर दी गई है, तो किनको, तो मनमोहन सिंह को ऐसा कर दिया गया। मनमोहन सिंह को अब Z+ सुरक्षा मिलेगा। भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन खिताब जीता है, तो किन्होंने जीता है, तो PV सिंधु ने जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन का खिताब। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में किस दिन से स्वच्छता की सेवा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो स्वच्छता ही सेवा है एक अभियान शुरू किया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो कौन से दिन से किया जाएगा, तो 11 सितंबर से किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, तो द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा देश है, तो बहरीन देश है, बहरीन देश में ऐसा किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तुलना में भारत में मौजूद कुष्ठ रोगियों की प्रतिशत कितनी है। तो कुष्ठ रोगियों की भारत में जो परसेंटेज है वो 66% है पूरे विश्व का, और ये किसके द्वारा किया गया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कहा गया है। रूस द्वारा आर्कटिक महासागर में लॉन्च किए गए विश्व के पहले तैरते परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। तो पहले तैरते परमाणु रिएक्टर का नाम है एकेडमिक लुमोनोसोव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह टीम जिसने डूरंड कप 2019 का खिताब जीता है, तो डूरंड कप 2019 का खिताब जीता है उस देश का क्या, वह टीम का क्या नाम है, तो गोकुलम केरल FC उस टीम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किस पूर्व सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड
जो कि एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स का गठन किया है। तो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड का गठन किया है वो टीएम भसीन ने किया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार अभ्रक खनन क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 5,000 से अधिक बच्चों शिक्षा से वंचित हैं। तो अभ्रक खनन के क्षेत्र में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यूज वहाँ पे लिया जा रहा है, जो कि 5,000 से अधिक बच्चे हैं वो भी शिक्षा से वंचित हैं। तो किस आयोग ने ऐसा कहा है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ऐसा कहा गया है कि 5,000 से अधिक बच्चों जो हैं जो कि अभ्रक के खनन में लगे हुए हैं, जिसका कि एज 6 से 14 वर्ष के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के बाद अब वैज्ञानिकों किस ग्रह पर जीवन संभावनाओं की तलाश करने के लिए लगे हुए हैं? तो मंगल ग्रह के बाद अब लगे हुए हैं बृहस्पति ग्रह पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जून 2020 तक देश से सभी शांति सैनिकों को वापस बुलाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है? तो सभी 2020 तक ऐसा किया गया, जितने भी शांति सैनिक को वापस बुलाने के लिए किया गया, तो वो सूडान 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 देश ने ऐसा किया 2020 तक, जून 2020 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिसने रोजर फेडरर के खिलाफ पहला पहला सेट जीतने में कामयाबी हासिल किया, तो पहला सेट जीतने में कामयाबी हासिल किया है उनका नाम है सुमित नागल। किनको हराकर? रोजर फेडरर को हराकर उनके खिलाफ इन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सरप्लस फंड और डिविडेंड के रूप में कितने रुपये देने की घोषणा की है? तो रिजर्व सरकार ने सरप्लस फंड को 1.76 लाख यानी 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर विमानन महानिदेशालय जो कि DGCA ने किस वस्तु के को विमानों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विमान में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और उस वस्तु का नाम है एप्पल मैकबुक। एप्पल मैकबुक आप अब विमान से नहीं ले जा सकते हो। किसके द्वारा किया गया है? तो नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा ऐसा कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर्ज कितने साल में समीक्षा करने की सिफारिश की है? तो 5 साल में वो समीक्षा करेगा, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति के संशोधन के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसको संयुक्त अरब अमीरात का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात का जो नेक्स्ट राजदूत होगा वो किन्हें नियुक्त किया गया? तो पवन कपूर जी को नियुक्त किया गया भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस में कितने फीसदी किराया कम करने की योजना लागू कर रहे हैं? तो शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस में 25% जो है किराया आपका कम जाएगा, जितना किराया था उसका 25% आप कम लगेगा। वह आईपीएस अधिकारी जिसका तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2018 के लिए चयन हुआ है, तो उस आईपीएस अधिकारी का क्या नाम है? तो अपर्णा कुमार उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है? तो 10% आरक्षण देने का फैसला किया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा किस मंत्रालय ने हाल ही में एड्स के प्रचार को रोकने हेतु एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया? तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार मंत्रालय ने ऐसा कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित डंपा बाघ अभयारण्य को क्लाउडेड रेपर्ड लेपर्ड के अध्ययन के स्थल के रूप में चुना गया है? तो क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन के स्थल के रूप में चुना गया है वो भारत का कौन सा राज्य है? तो मिजोरम राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकवर कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो जापान देश की जो है सोनोका वादा, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सोनोदा वाका कहाँ से हैं? तो जापान देश से हैं। तो जापान देश के सोनोका वादा को हराकर भारतीय तीरंदाज जो हैं कोमालिका वारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकवर कैडेट वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक हासिल किया है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस ऐतिहासिक स्मारक में बेबी फीडिंग रूम में रूम की सुविधा शुरू की गई है? तो भारतीय स्मारक है, एक ऐतिहासिक स्मारक है, उसमें बेबी फीडिंग रूम की सुविधा का व्यवस्था किया जा रहा है, तो वह है ताजमहल में जो कि आगरा में है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में 5 सितंबर को आयोजित होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम की बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 5 सितंबर को जो आयोजित होगी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो उसमें भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को 5 सितंबर को उन्हें बुलाया जाएगा। तो कौन सा देश में होगा ये? रूस देश में। रूस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? पहली महिला फ्लाइट कमांडर जो बने हैं वो भारत के हैं, वायुसेना के, तो उनका नाम है शालिजा धामी। शालिजा धामी पहली महिला फाइटर कमांडर बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में पर्यटन स्थल गुलाब में 9,000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा? तो स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा वो मनाली में बनाया जाएगा, जो कि धरती से 9,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि एक पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सचिवालय में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया, कौन सा राज्य सरकार ने? तो बिहार के राज्य सरकार ने ऐसा किया है, दिल्ली सरकार। और ये कहाँ पे जीन्स टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये राज्य सचिवालय में जीन्स टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा DTC बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा योजना को किस दिन से लागू करने की मंजूरी की है? तो महिलाओं को जो मुफ्त यात्रा किया जाएगा DTC बसों में, दिल्ली में जो चलती है DTC बस, तो उसमें महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने का एक घोषणा किया गया था, तो अब वो 29 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा कि उसमें महिला जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको उसमें कोई भी किराया नहीं लगेगा बस में ट्रेवल करने के बाद। NCR सूची में नाम शामिल न होने की शिकायत करने के लिए असम में कितने विदेशी न्यायाधिकरण बनाए गए हैं? तो कितने विदेशी न्यायाधिकरण बनाए गए हैं जो कि फॉरेन ट्रिब्यूनल है, तो 1,000 विदेशी न्यायाधिकरण बनाए गए हैं जो कि NCR सूची में नाम शामिल होगा अब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जिसने नाविक के फेसियल बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी किया? तो बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जो जारी किया है BSID, वो विश्व का पहला देश है, तो कौन सा देश ऐसा किया है? तो भारत देश के द्वारा ऐसा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुष्ठ रोग और किस बीमारी के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की सार्वभौमिक जाँच हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया? तो 18 वर्ष से कम बच्चे हैं उनकी एक सार्वभौमिक जांच होगी, तो एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो वो TB बीमारी के लिए और एक लेप्रोसी बीमारी के लिए किया गया, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा हाल ही में राज्य में कितने विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर राज्यपाल द्वारा हाल ही में 50 विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। 12वें इंडिया सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया गया है? तो 12वें इंडिया सिक्योरिटी सम्मेलन का जो सम्मेलन है, आयोजन है, वो भारत में नई दिल्ली स्थान में किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। वह खिलाड़ी जिसके जन्मदिन दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको बहुत ही न्यूज अच्छा मिलेगा और जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो भी आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इससे आपको इतना फ़ायदा मिलेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस स्टेडियम से ऐसा किया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट एक शुरू किया गया है, तो वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों ये थी अगस्त मंथ के पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों थैंक यू सो मच।